हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप कर लो क्योंकि फ्रेंडशिप डे आ रहा है। और स्कूल में याद है हम ये धागे से बांधते थे ये फ्रेंडशिप बैंड्स, पर खैर ज़माना बदल गया है और आजकल तो जिसे भी देखो ऐसा लगता है उसकी नैया ऑलरेडी किनारा छोड़ चली है। ऐसा लगता है कि आजकल लोगों के दोस्त होते ही नहीं हैं, पर हम सब अकेले ज़रूर हैं और इतने अकेले हैं इतनी भीड़ में। बड़ी अजीब बात है ना, दुनिया की टोटल पॉपुलेशन है बिलियंस में और इस बिलियंस की पॉपुलेशन में हम हैं कहीं पे अकेले। एक भी दोस्त नहीं है हमारा, दोस्ती से भरोसा उठ चुका है। लोगों से बात तो करते हैं पर उन्हें दोस्त नहीं कह पाते। तो ये क्यों हो रहा है? हमें किसी पे भरोसा क्यों नहीं होता? हमारे दोस्त क्यों नहीं बनते? हमारी दोस्तियाँ टिकती क्यों नहीं हैं? ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हम दोस्त किसे समझते हैं। क्या एक दोस्त वो होता है जिसके साथ आप कभी भी पार्टी कर सकते हैं, या फिर एक दोस्त वो होता है जिसे आप पार्टी करने के बाद टल्ली हालत में रात की 3 बजे भी बुलाते हैं और वो आपको उठाने आ जाता है, या फिर एक अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी बक 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 हमेशा सुनता है और आपके दुख को समझता है, या फिर एक अच्छा दोस्त वो होता है जो अच्छी बातें करता है, या फिर एक अच्छा दोस्त वो होता है जो आपके टूटे हुए दिल को लेकर एक जादू की झप्पी से सिल देता है, या फिर एक अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी बात कभी नहीं काटता, या फिर उसकी चॉइस एकदम आपकी जैसी होती है, वो आपके जैसे गाने सुनता है, आपके जैसी किताबें पढ़ता है। तो मतलब दोस्त होता कौन है? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हम दोस्त से, वो ये भी हो वो भी हो, और इसीलिए इन एक्सपेक्टेशंस के कारण हमारा दिल टूटा का टूटा रह जाता है क्योंकि हमें कोई एक इंसान मिलता ही नहीं है जो ये सब कर सके। तो शायद हमें सोचना चाहिए कि एक दोस्त होता कौन है। अगर आपको याद हो तो लव यू जिंदगी में शाहरुख खान आलिया भट्ट से पूछते हैं कि उनके इनर सर्कल में कौन कौन आता है। वास्तव में अगर एक्चुअल साइकोलॉजी की बात करें तो इनर सर्कल जो है वो एक्चुअली एक सर्कल नहीं, एक हेक्सागन है, और इस हेक्सागन पे 6 पॉइंट्स हैं और इस हेक्सागन के सेंटर में होने चाहिए आप। तो अगर हम रियलिस्टिक सेंस में बात करें तो आपको कंप्लीट सर्कल नहीं मिलेगा, आपको एक इंसान में सब कुछ नहीं मिलेगा भले ही आप सिर्फ दोस्ती ही चाहते हो। तो भले ही आपको जिंदगी में पूरा सर्कल एक इंसान में नहीं मिलेगा, पर आपको एक इंसान में अपने हेक्सागन का एक टुकड़ा मिल सकता है, एकदम एक पिज्जा स्लाइस की तरह। तो यानी फ्रेंडशिप एक ऐसा पिज्जा है जिसकी हर स्लाइस एक दूसरे से अलग है, और ये इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि भले ही मैं आपको एक फूल दे दूँ जो सुंदर भी दिखता है, खुशबू भी देता है, जो बाद में फल भी बनता है, जो सब कुछ सही करता है, पर फिर भी वो फूल कितना भी अच्छा हो एक गुलदस्ते के सामने थोड़ा फीका पड़ ही जाता है। तो जिंदगी में सिर्फ एक फूल पे ध्यान मत दो, गुलदस्ता बनाओ, अलग अलग फूल चुनो, और भले ही वो एक दूसरे के साथ में ज़्यादा ठीक से जमते नहीं हैं पर तुम्हें उन्हें जमा के रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हमें लगता है कि हम इस दुनिया में अकेले हैं, हम जैसा कोई नहीं है, ये जो ये वाइट डॉट है हम खुद को ये मान लेते हैं और सब खुद को यही मानते हैं, पर अगर हम इस वाइट डॉट को जूम करके देखें तो हमें पता चलेगा कि ऊपर से सब इंसान ऐसा ही सोचते हैं पर अंदर से उनकी पर्सनालिटी अलग होती है। अब जैसे ये हैं मिस्टर ग्रीन, ग्रीन की फैमिली में हैं मिस्टर तोता ग्रीन और मिस्टर मेहंदी ग्रीन। हालांकि इन तीनों की पर्सनालिटी ग्रीन ही है, मतलब लगभग एक जैसी ही चॉइसेस भी हैं, एक जैसा ही सोचते हैं, पर ये आपस में कुछ जम नहीं रहे। तो इसका मतलब साफ है, दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आप जैसा हो, पर यहीं अगर हम मिस्टर ग्रीन को मिस्टर रेड के साथ डाल दें, हालांकि ये कलर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं पर इनका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, तो ये भी हो सकता है कि आपकी दोस्ती उस इंसान से भी हो सकती है जिसकी सोच आपसे बिल्कुल नहीं मिलती। तो यानी हमें सबसे पहले ये थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी कि लोग गलत होते हैं या बुरे होते हैं, बस हमें उन लोगों पे ध्यान देना है जो हमारे लिए ठीक है। एक बार किसी को मौका देके तो देखो, शायद वो तुम्हारे लिए सही हो। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कोई इंसान आपके लिए सही है या नहीं तो ये वाले वीडियो को देखिए, ऊपर जो कार्ड में वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। और जो लास्ट टेक्निक है अच्छी दोस्ती टिकाने की, वो है अच्छा दोस्त बनने की। हम दोस्त बनाना चाहते हैं पर बनना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपकी बात सुने, आपको समझे, तो आपको भी कभी कभी उसकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। आप जिस तरह का व्यवहार चाहते हैं आपको उस तरह का व्यवहार दूसरों से रखना पड़ेगा और फिर वो आपको अपने आप मिलेगा। तो बस
दोस्ती इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लगती है। जो भी दोस्त मिले हैं, जैसे भी मिले हैं, उनकी कदर करो, उन्हें संभाल के रखो, और हाँ, गुलदस्ते का ध्यान रखो। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।